हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। देखिए, बात करें यहाँ पर चैप्टर फर्स्ट जो कि मैंने भाषा का दिया हुआ था, और उसमें सारे डिटेल में बताया हुआ था कि भाषा क्या होती है, लिपि क्या होती है, और भाषा से जुड़े जो भी प्रश्न थे मैंने उसमें लिए हुए थे। और ये अभ्यास के लिए प्रश्न मैंने इस वीडियो में लिए हैं, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और डी का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, और UP SSSC से जो आपका मंडी परिषद का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को, और सभी लोग रेडी हो जाएं इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। देखिए, पहले मैंने यहाँ पर लिया हुआ प्रश्न, निम्न प्रदेशों की भाषाएं हैं। तो निम्न प्रदेशों की भाषाएं कौन सी है, कौन सी नहीं होगी, कौन सी सही है, यानी गुजरात की कौन सी भाषा होगी इनमें से। यहाँ बंगाली और गुजराती दिए गए, दो ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे दोस्तों, ठीक है, कमेंट करके बताएंगे। चलिए मैं बताना चाहूँगा, इससे पहले मैंने भाषा की पूरी डिटेल में वीडियो दे दी थी, और उसको आप वॉच कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे से नहीं जुड़े हैं, तो नीचे से रेड कलर के आपको सब्सक्राइब बटन दिख रही होगी, उसको दबा करके हमसे जुड़ जाएं। बगल में दी गई बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आपको टाइमली लेटेस्ट अपडेट और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होता रहे। चलिए, तो वो दोस्तों रेडी हो जाइए, कमेंट करके आप बताएंगे कि गुजरात कि इनमें से कौन सी भाषा है, गुजराती है या बंगाली है। तो बहुत ही सिंपल सा और इजी क्वेश्चन है, तो जल्दी से रिप्लाई करिए फटाफट कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, पहला जो है वो बंगाली है, दूसरा गुजराती है। तो ये पता होना चाहिए कि गुजरात में गुजराती भाषा ही बोली जाएगी, तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही है। बंगाल में बंगाली बोली जाती है, उसके लिए अगर बंगाल होता, पश्चिम बंगाल, तो यहाँ पर बंगाली सही होता। दिल्ली में आपकी कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, दिल्ली में आपकी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है पहाड़ी और हिंदी। तो दोस्तों इसका भी कमेंट करके आप बताइए फटाक से क्या सही आंसर होगा। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा हिंदी का, ठीक है। नेक्स्ट सिक्किम दिया गया है, सिक्किम में दो ऑप्शन दिए गए हैं, हिंदी और पुर्तगाली। तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि जो पुर्तगाली लैंग्वेज है वो कहाँ बोली जाती है। तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि पुर्तगाली जो लैंग्वेज है वो गोवा में बोली जाती है, ठीक है, और भी कई प्रदेश हैं जहाँ पर पुर्तगाली लैंग्वेज बोली जाती है। तो आपको ये चुनना है कि सिक्किम के लिए सही ऑप्शन क्या होगा। तो दोस्तों सिक्किम में पुर्तगाली तो बोली नहीं जाती है, तो हिंदी तो बोली जाती होगी, और हिंदी कॉमन लैंग्वेज है वहाँ पर, कई भाषाएं बोली जाती हैं जिसमें से एक हिंदी भाषा भी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हरियाणा, हरियाणा में इन दो में से कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, हरियाणा की भाषा कौन सी है। तो कमेंट करिए फटाफट, जल्दी से बताएं। देखिए, हरियाणा की भाषा तो हरियाणवी है, लेकिन उनमें से एक भाषा और भी है जो हरियाणा में बोली जाती है, ठीक है। मराठी तो नहीं है, लेकिन हिंदी सही ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में कश्मीरी क्या बोली जाती है, नहीं बोली जाती है। कमेंट करके बताएं इसका सही ऑप्शन क्या होगा, तो कमेंट करके बताइए हिंदी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं त्रिपुरा, तो त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है। दोस्तों बताना चाहूँगा कि अगर आपको ऑप्शन पता है तो फटाफट जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएं कमेंट में, और अगर नहीं पता है तो समझ लीजिए कि देखिए भोजपुरी जो है वो बिहार में बोली जाती है, तो आपकी यहाँ पर त्रिपुरा में त्रिपुरी बोली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आगे, देखिए यहाँ पर क्या करना है कि खाली स्थान भरना है आपको, खाली स्थान भरना है, सही ऑप्शन क्या होगा। अगर आपने वीडियो वॉच करी है मेरी, जो भाषा की मैंने पूरा डिटेल में सब बताया हुआ था, भाषा क्या होता है, लिपि क्या होता है, बोलियाँ क्या होती हैं, सब उसमें डिटेल में बता रखा है, तो आप ये इजी फटाफट करते चले जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपने पेपर में देखे और फटाक से जो ऑप्शन में सही आंसर है उसको टिक मारा, ठीक है। चलिए इसमें का नंबर में दिया गया है, देखिए रेडी हो जाइए और फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है, सही ऑप्शन क्या होगा। और कमेंट करके बताइए, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक भी साथ में करते रहिए, ठीक है, क्योंकि अच्छी वीडियो के लिए लाइक तो बनता है, ठीक है। भारतवर्ष में लगभग डैश भाषाएं बोली जाती हैं, तो दोस्तों मैंने इसका सही आंसर बता रखा है पहली वाली वीडियो में, अगर आपने वॉच नहीं करी हो तो उसको प्लेलिस्ट पे जा करके वॉच कर लीजिएगा। चलिए तो इसका सही आंसर क्या है फटाफट, जिसको जिसको पता है तो कमेंट करके बताए, और मैं बता दूं इसका सही आंसर क्या है। देखिए 1600 जो 52 भाषाएं हैं लगभग भारत में वो बोली जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं खा नंबर में, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। दोस्तों भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कौन कराता है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण कराता है, ठीक है। इसका सही ऑप्शन दीजिए, मैंने तो बता दिया आंसर क्या है, लेकिन आप लोग भी कमेंट करके बताते रहें, जिससे कि आपको इनके सही आंसर रिपीट होते रहें और आपके माइंड में सेव होते रहें, ठीक है। तो खा नंबर का सही ऑप्शन क्या है, व्याकरण है, जो कि भाषा के शुद्ध होने का ज्ञान कराता है, ठीक है। नेक्स्ट है गा,
अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है, फटाफट जल्दी से इसका तो रिप्लाई करके बताई दीजिए, ठीक है। कमेंट करिए फटाफट जल्दी से और ये बताइए कि अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है वो क्या है, ठीक है। गा नंबर दोस्तों बताना चाहूँगा, गा का जो सी आंसर है वो रोमन होगा, ठीक है। अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है वो रोमन है, ठीक है। और घ नंबर में आते हैं, डैश की लिपि देवनागरी है। तो दोस्तों देवनागरी किसकी किसकी लिपि होती है, मैं बताना चाहूँगा कि दो ऐसी भाषाएं हैं जिनकी देवनागरी लिपि होती है। तो कमेंट करिए और फटाक से बताइए। चलिए देखिए, देवनागरी जो है वो हिंदी और संस्कृत, ये दो ऐसी भाषाएं हैं जिनकी लिपि देवनागरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अड़ा नंबर, अड़ा जो ऑप्शन अड़ा नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि है। तो दोस्तों अभी मैंने बताया हुआ था आपको कि हिंदी और संस्कृत की जो लिपि है वो देवनागरी है, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी की, हिंदी भाषा की लिपि आपकी क्या हो जाएगी, देवनागरी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चार नंबर क्वेश्चन का आपको फटाफट कमेंट करके बताना है सही ऑप्शन क्या होगा, कमेंट करके बताइए सही ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो आपको उस टॉपिक की वीडियो मिल जाएगी जो नेक्स्ट सेकंड चैप्टर होगा, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहें और आपको सारा स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा, कोई भी समस्या लेने की बात नहीं है, सब बढ़िया से स्टडी करते रहिए और प्रैक्टिस भी करते रहिए साथ में, ठीक है। तो भाषा के दो रूप होते हैं कौन कौन से, देखिए इसमें ऑप्शन दिया गया है, डैश है और तथा लिखित दिया गया है। चलिए देख लीजिए, लिखित है तो यहाँ पर मौखिक होगा, ठीक है, मौखिक तथा लिखित भाषा। नेक्स्ट आते हैं छः नंबर का, रिप्लाई करिए, गुजराती तथा हिंदी भाषाएं राज्य में बोली जाती हैं। तो कौन से राज्य में गुजराती तथा हिंदी भाषाएं बोली जाती हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए जल्दी से, ठीक है। तो इसका देखिए सही आंसर क्या होगा, गुजराती तथा हिंदी भाषाएं डैश बोली जाती है, कहाँ बोली जाएंगी, देखिए गुजराती कहाँ बोली जाती है, गुजरात में, तो यहाँ पर क्या होगा आपका गुजरात हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वाला क्वेश्चन है जा नंबर, भोजपुरी भाषा डैश राज्य में बोली जाती है। तो भोजपुरी भाषा दोस्तों कहाँ बोली जाती है, बिहार में, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया हुआ था, ठीक है। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करते रहिए, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, यहाँ पे निम्नलिखित कथनों के आपको सही और मतलब सत्य और असत्य बताना है कि कौन सा वाला कथन आपका सत्य है और कौन सा वाला कथन असत्य है, ठीक है। तो पहला इसमें कथन दिया गया है, भाषा और बोली में अंतर नहीं होता। तो इसमें बोला गया है भाषा और बोली में अंतर नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है, भाषा और बोली में अंतर होता है, ठीक है। भाषा किसी एक को ही बोलेंगे भाषा, और बोली कई प्रकार की होती है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, अंतर नहीं होता, ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं खा नंबर में, चलिए खा का आप लोग फटाफट कमेंट करके रिप्लाई दीजिए कि ये सही होगा या गलत होगा, कमेंट करके रिप्लाई दीजिए सभी लोग फटाफट जल्दी से। लिपि से ही देखिए मैं इसको रीड कर दे रहा हूँ, लिपि से ही भाषा के शुद्ध रूप होने का ज्ञान होता है। तो क्या लिपि से ही शुद्ध भाषा के शुद्ध रूप होने का ज्ञान होता है, ऐसा है नहीं है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं गा नंबर में, व्याकरण द्वारा भाषा के शुद्ध रूप होने का ज्ञान होता है, बिल्कुल सही है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो ये आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट ये बताइए इसका सही सही आंसर, फटाफट रिप्लाई करिए कमेंट में, घ नंबर का कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा, सही होगा या गलत होगा, ठीक है। इसमें भाषा के दो रूप होते हैं या दो रूप हैं, तो ये सही है या गलत है, भाषा के दो रूप होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है, भाषा के दो रूप होते हैं या नहीं होते हैं। देखिए मैं बताना चाहूँगा कि जो गा नंबर है इसका भाषा के दो रूप होते हैं, कौन कौन से होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, ठीक है, तो ये वाला आपका सही होगा। नेक्स्ट आते हैं, देखिए अब इसमें आपको क्या बताना होगा कि लिपि बतानी होगी, तो फटाफट सभी लोग रेडी हो जाइए और कमेंट करके बताइएगा कि पहले जो का दिया गया है इसमें अरबी दिया गया, अरबी भाषा की लिपि क्या होती है, तो कमेंट करिए और बताइए, कमेंट करिए और बताइए कि अरबी भाषा की लिपि क्या होती है। चलिए मैं बता देता हूँ कि अरबी भाषा की लिपि क्या होती है, दोस्तों अरबी भाषा की लिपि होती है फारसी, ठीक है, फारसी लिपि होती है। नेक्स्ट आते हैं संस्कृत, संस्कृत की लिपि क्या होती है, संस्कृत भाषा की लिपि क्या होती है, फटाफट कमेंट करके बताएं जल्दी से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए संस्कृत भाषा की जो लिपि होती है वो देवनागरी होती है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, देवनागरी हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि होती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं गा नंबर का, कमेंट करके बताइए कि इसकी लिपि क्या होगी, फटाफट जल्दी से गा नंबर,
देखिए अंग्रेजी भाषा की जो लिपि होती है वो दोस्तों रोमन होती है, ठीक है, रोमन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपको कमेंट करके बताना, हिंदी की लिपि क्या होती है दोस्तों? रट डालिए, लिपियाँ रट डालिए, ये समझ लीजिए कि रट डालिए, ठीक है। ये पूछे ही जाते हैं क्वेश्चन इस टाइप के, ठीक है। ये टॉपिक लेने का मेरा मकसद यही है कि इनसे आपको एक दो क्वेश्चन आपको मिलने ही वाले हैं। मंडी परिषद हो गया, इलाहाबाद हाईकोर्ट हो गया, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए इसका भी आपका क्या हो गया, जो आपका संस्कृत संस्कृत का था और वही हिंदी का होता है लिपि, ठीक है। तो आपका क्या होता है, देवनागरी होता है, ठीक है, समझ गए होंगे, ठीक है। उर्दू, उर्दू में आ जाते हैं, उर्दू की लिपि क्या है दोस्तों? फटाफट कमेंट करिए सभी लोग, जल्दी से बताएं कि उर्दू की लिपि क्या है, कमेंट करके बताएं दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करके बताएं, ठीक है। उर्दू की लिपि क्या है दोस्तों? उर्दू की देखिए लिपि क्या है, उर्दू की लिपि होती है फारसी, ठीक है, फारसी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पंजाबी की लिपि क्या है, पंजाबी की लिपि क्या है दोस्तों? प्लीज़ कमेंट करके सभी लोग बताएं कि पंजाबी की लिपि क्या है, ठीक है। तो वीडियो के एंड में आप लोग पहुंच चुके हैं, और अब आप लोगों के लिए मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आने वाला हूं, जिसमें कि आपको पहले उस टॉपिक को पूरा डिटेल में बताया जाएगा, और फिर आपको सेकंड वीडियो में प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जिसमें जैसे आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी प्रकार से आप उसमें भी प्रैक्टिस करेंगे। तो जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, नीचे सब्सक्राइब की बटन आपको दिख रही होगी रेड कलर की, उसको दबा करके हमसे जुड़ सकते हैं। और नीचे दी गई सब्सक्राइब की बटन को दबाने के बाद में आपको बगल में बेल आइकन दी जाएगी, उसको दबा लेंगे तो ये समझ लीजिए कि सारी वीडियोज़ आपको टाइमली मिलती रहेंगी, ठीक है। चलिए, और इसका रिप्लाई कमेंट में ज़रूर बताइए कि पंजाबी की लिपि क्या होती है दोस्तों, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।